Hello friends, this is Bebo's Kitchen Studio. Welcome back to my channel. Hope you all are doing really well. Friends, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था ना कि इस वीक से मैं आपके लिए लेकर आऊंगी वेट लॉस रेसिपी की सीरीज, तो आज से वो रेसिपीज की जो सीरीज है ना स्टार्ट हो रही है. आज है डे वन. मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी, क्विक सी और यमी सी वेट लॉस रेसिपी. तो चलिए किचन में देखते हैं क्या है वो रेसिपी. अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं आपके साथ जो आज वेट लॉस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, वो है मैंगो स्मूदी. के लिए मैंने ये देखिए कितने फ्रेश मैंगोस लिए हैं. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन मैंगो लवर्स हैं. फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ना मैंगो स्मूदी के कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ. इसका सबसे पहला बेनिफिट, सबसे इफेक्टिव बेनिफिट है कि ये वेट लॉस में हेल्प करती है. क्यों हेल्प करती है ये मैंगो स्मूदी? क्योंकि इसमें जो मैंगोज हमने यूज करने हैं ना, वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि वेट लॉस में हेल्प करते हैं. और अगर आप अपना क्विकली वेट लॉस करना चाहते हो ना, तो आप मेरी ये मैंगो स्मूदी की रेसिपी को अपने ब्रेकफास्ट में भी लीजिए और अपने डिनर में भी लीजिए. और ये जो मैंगो स्मूदी है ना, इसका जो कैलोरी कंटेंट होता है वो भी काफी कम होता है और इसमें फाइबर कंटेंट भी काफी ज्यादा होता है, जिससे कि आपको ना काफी टाइम तक भूख नहीं लगती है. तो अभी हम ना मैंगो स्मूदी की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं. मैंगो स्मूदी बनाने के लिए ना मैंने ये एक मैंगो लिया है. ये इतना इसका साइज है मैंगो का. और ये साइज के मैंगो से ना 2 ग्लासेस ऑफ मैंगो स्मूदी बन जाएगी. और इसके साथ साथ ना मैंने ये कर्ड लिया है. ये कर्ड मेरा 1 kg कर्ड है, बट ये एक मैंगो के लिए ना 1/2 kg कर्ड ही यूज होएगा, जिससे कि आपके 2 ग्लास जो लार्ज साइज के ग्लास होते हैं ना, वो बनकर तैयार हो जाएंगे. ये जो मेरा कर्ड है ना, ये होममेड कर्ड है. और आपको तो पता ही है कि जो कर्ड रहता है ना, ये एक्सीलेंट सोर्स है प्रोबायोटिक का. और इससे ना डाइजेशन भी काफी अच्छा होता है और इससे आपकी जो गट हेल्थ रहती है ना, वो भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है अगर आप इसका रेगुलर इनटेक करते हो. फ्रेंड्स, मैंगो स्मूदी के लिए ना मैंने ये मैंगोस को अच्छे से पील कर लिए हैं. ये देखिए, अब इसको ना मैं ये मिक्सर जार में डाल दूंगी. अब इसका ना अच्छे से स्मूथ वाला ना पेस्ट बनाना है आपने. ये देखिए, मैंने ना मैंगोस का अच्छी तरह से ना पेस्ट बना लिया हुआ है ये मिक्सर जार में. अब इसके साथ ना मैं ऐड करने वाली हूँ कर्ड. बिल्कुल अच्छे से आपने ना इसका पेस्ट बना लेना है ताकि इसमें ना कोई चंक्स ना हो. कर्ड ऐड करने के बाद ना आपने इसको अच्छे से ना ब्लेंड कर लेना मिक्सर जार में. फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी मैंगो स्मूदी बनकर तैयार हो गई है. और देखिए, देखने में ही कितनी माउथ वाटरिंग लग रही है. और आप ये रेसिपी को ना अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हो. जैसे गर्मियों में बच्चों को गर्मियों की जो ड्रिंक्स रहती हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं, तो वो भी डेफिनेटली इसको लाइक करेंगे. और आप भी ज़रूर ट्राई करना. और फ्रेंड्स, इसमें ना आपने कोई एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं करनी है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जो फ्रूट्स रहते हैं ना, वो एज अ नेचुरल स्वीटनर एक्ट करते हैं. तो आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा जैसे शुगर रहती है या फिर हनी रहता है, कुछ भी नहीं डालना है. और आप अगर वेट लॉस जर्नी पर हो, फिर तो आपको शुगर अवॉइड ही करनी चाहिए. और आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ना जरूर बताना.